हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो जो है प्रियंका के लिए है, प्रियंका प्रीति के लिए है। तो मैंने ये वीडियो जब बनाया तो जब मैं उनके लिए बहुत परेशान थी, प्रियंका के साथ क्या हो रहा है, कैसी है, वो कम्युनिटी पर भी शेयर नहीं किया था। लेकिन अभी अभी 1 घंटा पहले उसकी वीडियो आई है तो मैंने देखा, तो मैं ये अपलोड करने वाली थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आगे जो मेरी वीडियो की क्लिपिंग है वो मेरी अपनी ही आवाज़ में है, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, बिना देखे कमेंट बिल्कुल भी मत करना, और प्रियंका के लिए प्रेयर करें। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो है वो पूरा वॉच करके फिर ही कमेंट करें, क्योंकि जो वीडियो है ये व्यू पाने के लिए नहीं है। ये एक सब लोगों को कि मिलकर प्रेयर करें प्रियंका के बेबी के लिए, जो कि उनके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और प्रीति, आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप एक अपडेट के थ्रू या कम्युनिटी पे एटलीस्ट आप लोग डाल दो कि क्या चल रहा है, कैसे, क्योंकि हम लोगों को आदत एक बन चुकी है आप लोगों की वीडियोस देखने की। आप लोगों के एक हम लोग भी फैमिली मेंबर हैं, उसी तरह जैसे कि दीपक है, प्रियंका है और प्रीति तुम हो, तुम्हारे घर में जितने फैमिली मेंबर हैं सब जैसे हैं, वैसे ही हम यूट्यूबर भी, जहाँ फिर आपके जो सब्सक्राइबर हैं सब एक फैमिली मेंबर हैं, तो एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए। तो एक कम्युनिटी के ऊपर एक नोट छोड़ दीजिए ताकि हमें पता रहे कि क्या चल रहा है। और भगवान से तो हम सब प्रेयर कर ही रहे हैं। प्रियंका के 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो वो भी सब लोग प्रेयर करें प्रियंका के लिए, प्रियंका के बेबी के लिए, भरत के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो और प्रीति, मैं आपके लिए आपकी वीडियो भी देखती हूँ, मैं आपके लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। उसमें आपकी जो लास्ट परसों वीडियो आई थी उसमें आपने बताया था कि आप, 1 मिनट, सॉरी कोई आ गया था, तो घर है, घर में तो कोई ना कोई आएगा ही देखने के लिए कि बच्चे क्या हो रहा है। तो प्रीति, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपने एक कमेंट के ऊपर एक वीडियो ही बना दी, उसमें उन्होंने आपको यही कहा था कि आप अपने मम्मी के घर से कुछ नहीं लेकर आई। तो उन्होंने वो डॉरी के लिए नहीं बोला था, कोई दहेज के लिए नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था जैसे कि रिलेटिव कुछ ना कुछ गिफ्ट कर देते हैं। अब बेटियां हैं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, सबको ही कुछ ना कुछ देते हैं, तो आपको वो चीज़ बतानी चाहिए थी। अब जैसे कि मैं भी हूँ, अगर मेरे को पता लगे मेरी फ्रेंड की बेटी की मैरिज है तो मैं एटलीस्ट उनको मैं सोचूं कि गिफ्ट में क्या दूँ, तो उसकी ज़रूरत का सामान दूंगी, जैसे कि बेडशीट हो गई, डिनर सेट हो गया, ऐसा छोटा मोटा उनकी ज़रूरत का सामान। तो ठीक है, आपके हस्बैंड, आपके अच्छी बॉन्डिंग है, आप दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग अच्छे चल रहे हो, भगवान करे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, खूब एंजॉय करो। लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ जो है अपने सब यूट्यूबर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करते हो अपनी वीडियो के थ्रू, तो वीडियो में फिर जो कोई देखता है वो पूछता है, तो कमेंट का जो प्लीज़ रिप्लाई करा करें। हार्ट तो आप देते ही हो, तो लेकिन एटलीस्ट कमेंट का रिप्लाई करा करें। उन्होंने अपने कमेंट में फिर आपने जो वीडियो बनाया उस पर लिखा, रहे यार मैंने तो ऐसा नहीं पूछा था, और इन्होंने मेरे ऊपर पूरी वीडियो ही बना दी। तो प्रीति, ऐसा कुछ नहीं है, डॉरी लेना देना सच्ची में गलत बात है, बहुत बुरी बात है। आज का जो समाज है, हस्बैंड वाइफ इकट्ठा कमाते हैं तो उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको क्या कितना मतलब कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, ये आज की जनरेशन को सब पता है। तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कहता, कह रहा आपको, बस यही कह रहे हैं भाई इतनी शॉपिंग सडनली आप कोरोना में इतना सब कर रहे हो, कोविड-19 जैसा कि चल रहा है, थोड़ी एहतियात रखें। और जो कि आप प्रिया के ही घर में ये सब मतलब कर रहे थे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि प्रिया जो है वो हॉस्पिटलों के चक्कर काट रही हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे हो। तो एंजॉय करें जरूर करें, लेकिन अपने घरों में करें, तो क्योंकि एक घर में तो इतनी परेशानी चल रही है, सडनली आप उसी बंदे के पास बैठ के वो सब इतना एंजॉयमेंट, मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में लगे हुए हो, वो चीज़ थोड़ी बेटा अच्छी नहीं लगी थी। तो यही चीज़ लोग कह रहे थे, तो आप प्लीज़ कमेंट में ही उनके रिप्लाई जरूर दिया करें, आप सिर्फ हार्ट दे के बात वहीं पे छोड़ देते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, कमेंट करा करें, बताएं। और अगर आपने ये वीडियो मेरी आप तक पहुंचती है तो प्लीज़ आप कम्युनिटी में शेयर करें, जहाँ इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि प्रियंका का क्या हालचाल है, वो हम जानना चाहते हैं। हम लोग इतना जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ, तो उम्मीद करती हूँ कि तुम प्रीति मेरी बात अच्छे से समझ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताया, पूछा है आपसे, और जो आपके कमेंट में था वो भी मैंने बताया है। और प्रियंका, अगर मैं चाहती हूँ कि, मैंने आपको कमेंट भी करा है कि अगर हो सके तो आप CMC लुधियाना में एक बार ज़रूर ज़रूर चेकअप करवाएं, तो मे भी कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हे भगवान, प्रियंका के घर सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और सबके घर में जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए।
क्योंकि COVID-19 की वजह से कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सबके लिए चल रही है। और प्रियंका तुम्हारे लिए तो दिल से और हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रेयर है, सब लोग कर रहे हैं कि प्रियंका तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू।